पाकिस्तान के फतवे हैं आपके बरेलवी फिक्ह के, कहाँ कि ख्वाजा सराहों का निकाह जायज है, मर्द का ख्वाजा सरा औरत के साथ यानी कि मेरे साथ, ओके, और ख्वाजा सरा मर्द का औरत के साथ। आपको भी पता है, पूरे LGBTQ माफिया को पता है कि 10 साल पहले शायद एक फतवा आया था जो बाद में रिवोक हुआ था, तब इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर, खुनसा और ख्वाजा सरा में लोगों को फर्क ही नहीं पता था। इंटरसेक्स जो बच्चे पैदा होते हैं, जेनिटल डिफॉर्मिटी वो है, और कॉमेलूद के आदमी है। शरीयत कोर्ट ने पूरे ट्रांसजेंडर मूवमेंट को गैर इस्लामी करार दे दिया है, लेकिन आप अभी तक ये बातें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के स्कॉलर्स और पाकिस्तान के माँ बाप, आप मुझे बताएं कि ऐसे आदमी जो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हम गे हैं, इसको फिर बुरा भला कह दूंगी, बिकॉज मैं खुद ही बहुत ज्यादा गे रही हूँ, मैं ट्रांसलेशन करा लूं, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लूं। ऐसे आदमी क्या एक दूसरे आदमी के साथ निकाह कर सकते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में? क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कह के गए हैं कि कौमे लूत के लोगों पे अल्लाह की लानत है, और ऐसे आदमी जो औरत की तरह होते हैं और औरतें जो आदमी की तरह बनती हैं उन पे मेरी लानत है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि ये जायज है? प्लीज आप मुझे बताएं कि आपको एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ या लार्ज साइज़ आता है, और आप चाहते हैं कि आप स्मॉल साइज़ में आ जाएं, तो अगर आप ऐसे चाहते हैं तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं बात कर रही हूँ वेट लॉस के हवाले से। आप घर बैठ के इजीली बगैर जिम के वेट अपना कम कर सकते हैं। करना क्या है, आपने अपनी नेम, एज, वेट, हाइट, और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपने हमें व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करना है। तो आपको घर बैठे हुए सर्टिफाइड डाइटिशियन से आपको डाइट प्लान मिलेगा, कस्टमाइज डाइट प्लान होगा जिसमें फॉलोअप भी इंक्लूड होगा, जिसमें डेली बेसिस पे हम मॉनिटर करेंगे आपकी डाइट को, और आप अपने आइडियल वेट पे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, तो आप सबको करना चाहिए। तो मैं सबको मोटिवेट करूंगी। क्लाइंट्स के रिजल्ट और फीडबैक भी शेयर करती रहती हूँ, इंस्टाग्राम डाइटिशियन सर्विसेज के नेम से है, तो वो भी ज़रूर आप फॉलो करें। ठीक है, शुक्रिया।